आज्ञा। अब हम लोगों ने इतना सारा लौकी का साग को ऊपर से तोल लिए हैं, संजू के ऊपर ऐसे डाल के लेके जाएंगे। कितना अच्छा दिख रहा है नहीं। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो के साथ हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज लौकी का साग बनाने वाले हैं, लेकिन आज लौकी का साग बनाने का कोई प्लान नहीं था, फिर भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मंकी का झुंड आ गया है दोस्तों। तो वो मंकियों का झुंड के वजह से लौकी खाने को नहीं मिल रही, क्योंकि थोड़ा लौकी होते ही वो मंकियों का झुंड खा ले रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा होने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग आज सोचे कि लौकी के तो खाने को नहीं मिल रही, तो चलिए उसका साग ही खा लेते हैं। तो इसीलिए आए हुए हैं। ये आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आम के झाड़ है। ये आम के झाड़ में लौकी का जो लौकी हम लोग लगाए थे वो आम के झाड़ तक गया है, ऊपर तक। तो ये झाड़ को चढ़ेंगे, आम के पेड़ में चढ़ के उसके ऊपर से लौकी का साग को तोड़ेंगे, फिर उसको बनाएंगे। तो चलिए पहले चढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोगों ने इतना सारा लौकी का साग को ऊपर से तोल लिए हैं, अब उसको ले जाएंगे और इसका रेसिपी बनाएंगे। नियो मारो तुम्हें पका, चलो चलो चलो, कांदरा पकाओ, कांदरा पकाओ। हाँ खाओ यार, खाओ। चलो संजू, संजू के ऊपर ऐसे डाल के लेके जाएंगे। कितना अच्छा दिख रहा है नहीं। चलो एम इधर की चलो। तो उसके बाद दोस्तों, इसमें से पत्ते को निकाल लेंगे इस तरह, पत्ते और ये इसे अलग अलग कर देंगे। तो दोस्तों, लौकी हो या पंपकिन हो, ये सब साग का एक खासियत बात ये है कि इसमें कुछ भी फेंकने का चीज नहीं है। इसका पत्ते भी खा सकते हैं और इसको भी खा सकते हैं, इसको भी फेंकेंगे नहीं, सब खा सकते हैं, कुछ भी वेस्ट होने का नहीं है। और जितना साग हम लोग आज लाए हैं वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो सेटा कौन करियो, कल ही हो वो कल का मैं रख दूँ जो, तो इसीलिए वो थोड़ा कल के लिए रख रही है संजू, और आज इतने इतने सारे बनाने वाले हैं। तो अब इसे कटिंग कर लेंगे दोस्तों। कौन बड़ो बड़ो काट दीजिए ना, कौन ओ सो पेट को पड़े हो, पेट को पड़े हो सब ना। तो दोस्तों, अब हम लोग ये साग को काट के अच्छी तरह से धो के साफ कर चुके हैं। अब बनाएंगे इसका साग, सागो भाजी, यानी कि हम जो बोलते हैं उड़िया में सागो भाजी, यानी कि सागो फ्राई, साग फ्राई। अब कढ़ाई में डाल दी है संजू, नहीं आज भी अल्प हो, बेसी हो नहीं हो। तो अब इसमें थोड़ा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। और एक बात है दोस्तों, ये जितना भी साग है दुनिया में, सब साग से ये साग में विटामिन थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। डॉक्टर भी बोलते हैं कभी कभी तबीयत खराब होने में, मतलब जो पेशेंट ऑपरेशन होने के बाद ये साग खाने के लिए या इसका कारी बना के खाने के लिए डॉक्टर लोग बोलते हैं। तो हम लोग तो आज इसका साग बना रहे हैं,
और किसी दिन इसका कारी भी बना के आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों पूछ लेते हैं संजू को आज कि ये लौकी साग में कौन सा मसाला डालने वाली है। और यहाँ कुछ लहसुन छील रही है संजू। तो आज ये साग रे कौन कौन मसाला पकेबगी? रसुण, लंका, तेल। तेल तेल भी मसाला सेड़ा को भी कहवा पड़ब। तो मैंने मोटामोटी कह गले रसुण खाली आओ। तो दोस्तों आज ये साग फ्राई में संजू खाली लहसुन डाल के बनाने वाली है। ये लहसुन छील रही है यहाँ। और यहाँ हमारा साग भी बॉइल्ड हो चुका है करीब करीब। और नमक तेल वगैरह वगैरह मिर्ची ये सब तो हर चीज़ में डालना होता है, वो तो कॉमन है। बहू सेठी कौन कर रसुण छिंचती? तो दोस्तों बहू यहाँ वो जो लहसुन छील रही थी संजू उसे ग्राइंड कर रही है। अब हमारा साग अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुका है। अब इसमें मसाला डाल के उसे फ्राई करेंगे। उसके लिए थोड़ा सूखा हुआ मिर्ची डाली संजू। अब हमारा मिर्ची फ्राई हो चुका है। अभी इसमें लहसुन उससे भी फ्राई कर देंगे लहसुन को थोड़ा। खाइबो खाइबो नहीं? साई पूछ रहा है वो क्या है। लंका दिया है नहीं जुआ? लंका दिया है नहीं ना? लंका नु है? लंका नु है? वो मिर्ची दिया हुआ है क्या पूछ रहा है साई? लंका वो देख के पहचान ले रहा है कौन सा मिर्ची है। तो दोस्तों अब हमारा लौकी साग फ्राई रेडी हो चुका है। अब देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है। हम लोग अक्सर खाते हैं, पता है हमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। यह तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और ये अपना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका साग हो या सब्जी बना के भी खा सकते हो। हम लोग और किसी दिन एक दिन इसका सब्जी बना के आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और हमारा चैनल को पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ, तब तक रहते हैं। बाय बाय।